नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जगत और हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस के इस वीडियो दोस्तों, फंगाई किंगडम एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग हज़ारों तरह के अलग अलग फंगाई होते हैं, जिसमें मशरूम से लेके ईस्ट तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये बेसिकली एक बहुत रेजिलिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। रेजिलिएंट मतलब ये किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, हवा, पानी, पेड़ों पे, दूसरे जानवरों पे, इंसानों के स्किन पे भी, एपिडर्मिस जो होता है हमारा, इस पे भी नेचुरली पाए जाते हैं। इसमें गुड फंगाई होते हैं जो ज़रूरी है, और डिजीज़ पैदा करने वाले भी बहुत सारे फंगाई होते हैं। आज हमारी इस वीडियो में हम लोग इंसान में होने वाली फंगल इन्फेक्शंस, खासकर स्किन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। स्किन प्रॉब्लम्स के अलावा लंग इन्फेक्शंस भी फंगल इन्फेक्शंस में होते हैं। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शंस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाए, यानी कि रोग निरोधक शक्ति जो है हमारी अगर कम हो जाए, तो हमारे सरफेस पे जो फंगल इन्फेक्शन है या एनवायरनमेंट पे जो फंगल इन्फेक्शन है वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं और डिसीज़ पैदा करते हैं। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शंस दुनिया के 1 बिलियन लोगों को इफेक्ट करता है, यानी कि ये बहुत, और हर इंसान को अपने जीवन में एक ना एक बार इसकी शिकायत होती है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शंस मेनली अनहाइजीनिक कंडीशंस यानी साफ सुथरेपन की कमी की वजह से होती है। गर्म जगहों में जहाँ पे गर्मी और मॉइस्चर का कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा होता है, उन जगहों में ये ज़्यादा पाया जाता है। कुछ ऑक्यूपेशंस जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या फिर फाउंड्रीज में काम जो करते हैं ज़्यादा गर्मियों में, जिनमें ज़्यादा पसीना आता है, ड्राइवर्स जिनको नहाने की सुविधा कम होती है, हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे या स्पोर्ट्समैन जो कॉमन बाथरूम या वॉशरूम्स या स्विमिंग पूल्स यूज़ करते हैं, इन सारे लोगों में फंगल इन्फेक्शंस की मात्रा ज़्यादा होती है। लो इम्यूनिटी वाले मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड अगर आपका डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, या केमोथेरेपी लेने वाले कैंसर पेशेंट्स में जिनका इम्यूनिटी बहुत लो होता है, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ करने वाले पेशेंट्स, इन सारे कंडीशंस में भी फंगल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। दोस्तों, अलग अलग फंगाई अलग अलग टाइप के डिसीजेस पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई ह्यूमन में अलग अलग टाइप के डिसीज पैदा कर सकते हैं, लेकिन सभी स्किन इन्फेक्शंस में काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि खुजली होना, रैशेस का आना, रेड या पिंक कलर के रिंग्स हो जाना जिसे रिंगवर्म में बहुत कॉमन होता है, या फिर अलग अलग शेप्स में ये लीजन बढ़ता जाता है और अलग अलग जगहों में इन जनरल खुजली भी हो सकती है, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं फंगल इन्फेक्शन के। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शंस बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि सर में हो सकते हैं, बालों के अंदर हो सकते हैं, बॉडी पे हो सकते हैं, उंगलियों के नीचे, नेल बेड इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, ऑन्कोमाइक, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर स्किन फोल्ड्स में जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे गर्मी होती है और जहाँ पे हाइजीन मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो उन जगहों में इन्हें ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर या फिर हमारे जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, इसके अंदर भी फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही कॉमन हैं जिनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि एथलीट्स फुट जो पैरों में होता है, यूजुअली ये स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा होता है, ये किसी को भी हो सकता है लेकिन स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा होता है, जो कॉमन वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये कॉन्टेजियस होता है और इसी की वजह से हमारे पैरों में लाल दाने हो जाते हैं, या फिर उंगलियों के बीच का जो पार्ट होता है यहाँ पे नमी की वजह से यहाँ पे खुजली और लाल होना, स्किन का पीलिंग होना, ये सब इसके फीचर्स होते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन जिसे कैंडिडा इन्फेक्शंस भी कहते हैं, ये मुंह के अंदर या फिर हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं, इसमें वाइट कलर के दाने या वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, ये यूजुअली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। जॉ किच यानी के जांघों के बीच में होने वाली फंगल इन्फेक्शन जो टीनिया क्रूरिस नाम के एक फंगस से होती है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है और पिछले कुछ सालों से इसकी शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं, इसके केसेस बहुत बढ़ गए हैं। इसके अलावा रिंग वर्म यानी कि रिंग शेप के जो लीजन्स होते हैं फंगल इन्फेक्शंस, जो टीनिया कॉर्पोरिस नाम के एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये हाईली कॉन्टेजियस होता है, यानी कि छूने से फैलता है।
दोस्तों फंगल इन्फेक्शंस बहुत ही इजीली ट्रीटेबल होते हैं, जो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल मेडिकेशन से आप इसे ट्रीट कर सकते हो, लेकिन यूजुअली पेशेंट्स के नेग्लिजेंस की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस के, जैसे कि अभी ओवर द काउंटर यूज़ ऑइंटमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं जिसमें बहुत सारे तरह के मेडिसिन होते हैं, इसके साथ में स्टेरॉइड्स होते हैं, तो इसके ओवर यूज़ की वजह से मैंने देखे हैं काफ़ी पेशेंट्स सालों साल इसको अप्लाई करते हैं, या फिर कोई डस्टिंग पाउडर, वो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई सोप वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें वो जो हमारे बॉडी में फंगस होते हैं तो वो इससे आदि हो जाते हैं और रेजिस्टेंस इससे आ जाता है, तो इसे ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि जब आप ट्रीट कर रहे हो तब वो टेम्पररली कम हो जाते हैं, फिर से ये लीजन्स रिकर करते हैं, रिपीट करते हैं, और इनमें एंटीफंगल ट्रीटमेंट्स असरदार नहीं होते, तो इसे रेजिस्टेंट फंगल डिसीज़ कहते हैं, जिसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की चेंज की ज़रूरत है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन हो गए हैं, यूजुअली जैसे आप जानते हो कि ये लैक ऑफ हाइजीन की वजह से बढ़ते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, हमारी सैनिटेशन क्वालिटी बढ़ रही है, हमारी एजुकेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, फिर भी फंगल इन्फेक्शंस कुछ साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? एक्चुअली इसमें बहुत सारा रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन मोस्ट जो डॉक्टर्स एग्री करते हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिंस जो मिल रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन थेरेपीज जो मिल रहे हैं, इनका ओवर यूज़ होने की वजह से या मिसयूज़ होने की वजह से ये रेजिस्टेंट फंगल डिसीज़ डेवलप हो रहा है। दोस्तों फंगल इन्फेक्शंस और रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शंस जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिससे कि इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रॉब्लम को जड़ से हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक होते हैं, हर पेशेंट के लिए ये अलग अलग होते हैं। इन ट्रीटमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों फंगल इन्फेक्शंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, आप अपने आप को ड्राई रखिए, बारिश के सीज़न में अगर आपके कपड़े भीग जाते हैं और यही कपड़ों में आप अगर काम पे चले जाते हो तो ये भी एक वजह हो सकती है फंगल इन्फेक्शंस के लिए। गर्मियों में जिसमें ज़्यादा पसीना आता है और आपके कपड़े पसीना सूख लेते हैं वहीं पर ड्राई हो जाता है, तो इन सारे कंडीशंस में आपकी फंगल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ सकते हैं। यूजुअली हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम दो बार नहाइए और अपने कपड़े दो बार चेंज करिए दिन में। आपके पर्सनल आइटम्स जैसे कि कपड़े और टॉवल्स यूजुअली शेयर मत कीजिए, और हो सकता है तो पब्लिक स्विमिंग पूल्स या वॉशरूम्स अवॉइड कीजिए। अच्छी डाइट, नींद, स्ट्रेस का कम होना और एक्सरसाइज की वजह से आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है, और इम्यूनिटी इम्प्रूव होने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस आपको कम रहेंगे। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन नेग्लिजेंस और अवेयरनेस की कमी की वजह से फैलती है, तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी मिल गई है और आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।